हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम करते हैं हम आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, सीआरपीसी क्या होती है और सीआरपीसी की बेसिक क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। बेसिक में जैसे होता है टोटल सेक्शन क्या है और उसमें चैप्टर्स कितने डिवाइड किए गए हैं, ये कम इन फोर्स में कवाए नहीं, सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एनी डाउट रिलेटेड टू द सीआरपीसी यू कमेंट मी फ्रेंड। और हमारी कोशिश रहेगी आपको जो है सभी को जो है सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश की जाए, और कोई भी डाउट होता है तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं फ्रेंड। चलिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और देखते हैं सीआरपीसी क्या होता है, बेसिक क्या है सीआरपीसी का, उन सब चीज़ों को देखते हैं। उसके साथ साथ आपको जो है थोड़ा हम आईपीसी के भी कोरिलेट करके मैच करा देंगे। तो सीआरपीसी में सबसे पहले हम देखेंगे टोटल सेक्शन कितने हैं। टोटल सेक्शन की बात की जाए तो फ्रेंड 484 सेक्शन है इसमें। और टोटल चैप्टर की अगर हम बात करेंगे, टोटल चैप्टर 37 चैप्टर हैं। और फ्रेंड इसमें हम देखेंगे द एक्ट कम इन फोर्स। तो ये जो है फोर्स में आया था 1 अप्रैल 1974। और उसके बाद फ्रेंड देखेंगे इनेक्टमेंट ऑफ द एक्ट। ये है फ्रेंड 25 अप्रैल 1974 को इनेक्टमेंट हुआ था ये। और फ्रेंड इसके बाद हम देखते हैं इसमें कि दिस एक्ट इज अप्लीकेबल होल ऑफ इंडिया, दिस एक्ट इज अप्लीकेबल होल ऑफ इंडिया। इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर के साथ साथ पूरे भारत पर अप्लीकेबल है। और फ्रेंड इसमें कुछ प्रोविजो है जो कुछ चैप्टर हैं इसके जो है अदर स्टेट पर अप्लीकेबल नहीं है, जो ट्रिबल एरिया है वहाँ पर अप्लाई नहीं है, तो उसको भी हम बता दे रहे हैं आपको। हमने बता दिया कि इसमें टोटल सेक्शन कितने 44 सेक्शन है और चैप्टर की बात की जाए तो 37 चैप्टर है। और कम इन फोर्स में कब आया, 1 अप्रैल 1974 को फोर्स में आ गया था ये। इनेक्टमेंट हुआ था 25 अप्रैल 1974 को। और दिस एक्ट इज एप्लीकेबल होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद देखेंगे कि प्रोविजो इसका देख लेते हैं। प्रोविजो में फ्रेंड जो है चैप्टर एट और टेन और इलेवन ये जो है इज नॉट अप्लाई द नागालैंड, स्टेट ऑफ नागालैंड पर नहीं अप्लीकेबल है ये चैप्टर, स्टेट ऑफ नागालैंड। और फ्रेंड दूसरा हमारा जो है ट्रिबल एरिया अर्थात जो जनजाति क्षेत्र है वहाँ पर भी जो है चैप्टर एट और टेन और इलेवन जो है अप्लीकेबल वहाँ पर नहीं है। दूसरा हमारा होगा ट्रिबल एरिया। एक्ट की बात की जाए तो एक्ट नंबर ये टू है, एक्ट नंबर टू। तो इसमें फ्रेंड एक्ट नंबर ये दूसरा है। और लॉ की अगर बात करेंगे तो ये प्रोसीजरल लॉ है। क्वेश्चन पूछता है कि सीआरपीसी कौन सा लॉ है, तो ये प्रोसीजरल लॉ है अर्थात हमको प्रोसीजर बताता है, प्रोसीजरल लॉ क्रिमिनल मैटर का। वो फ्रेंड हमने देखा कि टोटल सेक्शन कितने 484 और टोटल चैप्टर की बात की जाएगी 37 कम इन फोर्स में आया था 1 अप्रैल 1974 में, इनेक्टमेंट हुआ था 25 अप्रैल 1974। और उसके बाद टोटल सेक्शन हमने आपको बता दिया। और हमने देखा कि ये जो एक्ट जो है होल ऑफ इंडिया पर अप्लीकेबल है और जम्मू कश्मीर भी साथ साथ है उसमें। और जो है प्रोविजो की बात की जाए तो फ्रेंड इसमें चैप्टर 8 और 10 और 11 जो है ये जो है नागालैंड और जो है ट्रिबल एरिया पर अप्लीकेबल नहीं है अर्थात जो है इस चीज़ों को आप मेंशन कर सकते हैं और इसको याद रहना चाहिए आपको जो है चैप्टर 8
और 10-11 जो है नागालैंड, स्टेट ऑफ नागालैंड, पूर्वी स्टेट भारत का जो है स्टेट है ये नागालैंड, और ट्रिबल एरिया अर्थात जनजाति क्षेत्र पर जो है अप्लीकेबल नहीं है। और एक्ट नंबर की बात की जाए तो एक्ट नंबर था ये 1974 का जो है, 1973 का, सॉरी फ्रेंड 1973 का जो है ये एक्ट नंबर दूसरा था। इसके पहले कोई एक एक्ट बना होगा, उसके बाद जो है CIPC जो है एक्ट नंबर टू था, अर्थात जो है 1973 में जो एक्ट बना था, 1973 में जो एक्ट बनाया गया था उसमें जो है हमारा CRPC दूसरे नंबर का है, तो इसीलिए एक्ट नंबर भी मेंशन किया जाता है। और एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि CRPC का एक्ट नंबर क्या है, CRPC का एक्ट नंबर टू है, अर्थात जो दूसरे नंबर का ही है। और अगर लॉ की बात की जाए तो CRPC हमारा प्रोसीजर लॉ है, अर्थात हमको प्रोसीजर बताता है। तो फ्रेंड हम IPC की बात करेंगे तो IPC में टोटल 511 सेक्शन है और 23 चैप्टर में डिवाइड किया गया। IPC हमारा आया था 1 जनवरी 1862 को कम इन फोर्स में आया था। IPC के साथ साथ हम CRPC पढ़ते हैं, IPC के बिहार पर CRPC है, IPC हम पढ़ते हैं। कोई भी क्राइम होता है, क्राइम के थ्रू हम जो है प्रोसीजर फॉलो करते हैं, प्रोसीजर फॉलो करने के लिए हमको CRPC पढ़ना पड़ता है। CRPC को रीड करेंगे, CRPC के थ्रू हम जो है किसी भी पर्सन के अगेंस्ट जो है केस दायर कर सकते हैं, किसी के पर्सन के खिलाफ FIR दायर करना हुआ और भी कंप्लेंट दायर करना हुआ तो इस सब चीज़ों के लिए हमको CRPC पढ़ना पड़ेगा। प्रोसीजर फॉलो करके हम जो है किसी भी व्यक्ति के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, ये प्रोसीजर हमको बताता है CRPC। इसके लिए IPC हमने आपको बता दिया, IPC में टोटल कितने सेक्शन है, IPC में टोटल 511 सेक्शन है डिवाइडेड इंटू 23 चैप्टर्स। और इसकी बात की जाए तो CRPC में टोटल जो 484 सेक्शन है और 37 चैप्टर में डिवाइड किया गया, और चैप्टर 8 10 11 जो है स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्रिबल एरिया पर नहीं अप्लीकेबल है, ये फ्रेंड आप जानते रहिए। और एक्ट नंबर कितना है, ये एक्ट नंबर 2 है। IPC अगर बात की जाए तो IPC एक्ट नंबर 45, अर्थात जो है IPC 1860 का 45वां एक्ट था और ये जो है 1973 का एक्ट नंबर 2 है। तो फ्रेंड आप जानते रहिएगा, हमने IPC भी थोड़ा बता दिया आपको और CRPC था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। सेक्शन की बात की जाए तो 37 सेक्शन कम इन फोर्स में आया था 1 अप्रैल 1974, इनेक्टमेंट हुआ था 25 अप्रैल 1974, और दिस एक्ट इज अप्लीकेबल होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। और हमने आपको बता दिया चैप्टर 8 और 9 जो है 10-11 चैप्टर 8 10 11 जो है कहाँ कहाँ पर अप्लीकेबल है, स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्रिबल एरिया, अर्थात जो है ये जो है पूर्वी भारत का जो है स्टेट ऑफ नागालैंड, यहाँ पर जो है चैप्टर 8 10 और 11 अप्लीकेबल नहीं है, और ट्रिबल एरिया अर्थात जनजाति क्षेत्रों पर भी ये अप्लीकेबल नहीं होगा। एक्ट नंबर की बात की जाए तो एक्ट नंबर सेकंड है 1973 का। लॉ की बात करेंगे हम तो ये लॉ जो है प्रोसीजर लॉ है। हमने आपको कितने पॉइंट बता दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट, ये फ्रेंड थे बेसिक ऑफ CRPC। एनी और कोई भी डाउट होता तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।